पहला फैक्टर लॉजिक सिंबल, तो लॉजिक सिंबल और गेट के लिए y इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस y इक्वल टू ए प्लस बी, दिस इज द लॉजिक एक्सप्रेशन। y इक्वल टू ए प्लस बी, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि जो लॉजिकल और गेट है वो प्लस से नोटिफाई होता है, लॉजिकल एंड गेट जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, और जो नॉट गेट है वो कॉम्प्लीमेंट यानी ए सी और ए डैश और ए बार, ये तीनों में से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सेगमेंट है आपका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल के लिए इनपुट रिलेशनशिप आपको पता है कि नंबर ऑफ इनपुट के बेसिस पर टू 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 पर एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट दो है तो चार कॉम्बिनेशन बनेगा, वो चार कॉम्बिनेशन जैसे एंड गेट के लिए था वैसे ही और गेट के लिए भी होगा। तो इनपुट कंसिडरेशन, आउटपुट कंसिडरेशन, आउटपुट कंसिडरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो हम लोग एनालाइज करते हैं कि अगर एक भी स्विच आपका ऑन है तो सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी स्विच ऑन होने का मतलब है कि एक भी इनपुट अगर हाई है तो द आउटपुट इज हाई, द आउटपुट इज हाई व्हेन हाय एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। और यू कैन ऑल्सो से दैट कि आउटपुट इज लो दैट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो, यानी कि अगर पैरेलल में भी अगर ऑल स्विचेज आर डिसकनेक्टेड, अगर सारे स्विच आपके ऑफ हैं तो कोई भी पाथ क्रिएट नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा, बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आप कंक्लूजन के लिए यूज कर सकते हैं, आउटपुट इज हाई दैट इज वन व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, या आउटपुट इज लो दैट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो, सारे इनपुट लो होंगे तो आउटपुट लो होगा, अदरवाइज आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पर अगर दो वेरिएबल के लिए देखिए तो y इक्वल टू ए प्लस बी इज योर एक्सप्रेशन, एंड कॉम्बिनेशन आप उसी तरह से बनाएंगे जैसे आप दो इनपुट एंड गेट के लिए बनाए थे, तो दैट इज हाफ ऑफ द फोर यानी टू टाइम जीरो टू टाइम वन 0 1 0 1, और वन के केस में आपका केवल वन, केवल जीरो के केस में जीरो होगा, बाकी सब केस में वन होगा। तो कंक्लूजन पार्ट क्या हो जाएगा, कंक्लूजन पार्ट आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पीडीएफ में कोई एक लिखा होगा, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आउटपुट इज हाई डेट इज वन के बेसिस पर भी, आउटपुट इज लो डेट इज जीरो के बेसिस पर भी। तो इसमें देखिएगा कि आउटपुट इज जीरो लेते हैं तो वो ज्यादा आपका एक ही कंपोनेंट को कंसीडर करना है, हाई के लिए तीन कंपोनेंट कंसीडर करना है। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आउटपुट इज लो डेट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो, तो केवल एक ही आपका आउटपुट है जो लो होगा, बाकी सब आपका हाई है, क्योंकि ऑल इनपुट जो है जीरो एक ही केस होगा, एक ही रो में आपका ऑल इनपुट जीरो होगा। जैसे एंड गेट के केस में ऑल इनपुट हाई था, वो एक ही केस में था जिसमें ऑल इनपुट हाई है, तभी आपका आउटपुट हाई हुआ। इस यहाँ पर क्या, ऑल इनपुट जीरो होगा या लो होगा तब आपका आउटपुट लो होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट हाई होगा। तो दोनों में से कोई भी, तो अगर आउटपुट इज लो दैट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो, अदरवाइज अदरवाइज आउटपुट इज हाई, ठीक है। तो और गेट यू जस्ट मेक एक प्रॉब्लम लिखिए, गिव द ट्रूथ टेबल लॉजिक एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल लॉजिक एक्सप्रेशन एंड लॉजिक सिंबल ऑफ फोर इनपुट और गेट, फोर इनपुट और गेट। नाउ द वैल्यू ऑफ एन इज फोर, टोटल कॉम्बिनेशन यानी टोटल इनपुट रो कॉम्बिनेशन इज टू टू पावर फोर यानी 16। यू हैव टू मैनेज फोर कॉलम्स, लेट ए बी सी डी और पी क्यू आर एस बी द फोर इनपुट वेरिएबल,
then just manage four columns for input, and on the basis of that four column generate the output on the basis of conclusion. Conclusion kya hai? Ye output aapka wahi conclusion hai, ki yaad rakhi ki output is low, that is zero when all its input is low. Otherwise output is high. तो अदरवाइज आउटपुट हाई, यानी कि केवल एक ही सेक्शन होगा जिसमें सारा जीरो होगा, वो आप जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो एनालाइज कर लेंगे, बाकी सारे केस में आपका जो है कोई एक ना एक वन होगा जिसके चलते आपका आउटपुट हाई हो जाएगा. तो वो कंसिडरेशन, आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज लो, डेट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो, वो ये कंसिडरेशन आप इसके लिए कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा, बना लिए होंगे. ट्रुथ टेबल थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 16 रो आपको बनाना है, तो 16 रो को आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट कॉलम में पहले हाफ, फिर उसका हाफ सेकंड कॉलम में, उसका हाफ थर्ड कॉलम में, और उसका हाफ फर्स्ट कॉलम में. फर्स्ट कॉलम का ना मतलब कि आपका जो है राइट टू लेफ्ट, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपका सबसे लास्ट में जनरेट होगा, दूसरा कॉलम उसके पहले, तीसरा उसके पहले, चौथा कॉलम सबसे पहले जनरेट होगा लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो 16 का आधा 8081, फिर 8 का आधा 4041, फिर 4 का आधा 2021, फिर 2 का आधा 1011. वो जो आपका कंडीशन स्ट्रेटजी सेम रहेगा इनपुट कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए. क्या तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर? एक और चीज समझ लीजिए, we are not doing here addition and subtraction and division and multiplication, here we are doing the logical operation. So don't add that contents, one ko add nahi kariye, one ka logical implication ya to or ke case mein ya and ke case mein ya not ke case mein karna hai. Aap us one ko jod dijiyega to 1 + 1 + 1 4 ho gaya, uska binary ko mein convert kar dijiye, matlab uska decimal convert kar dijiyega, yani 1 + 1 + 4 ko aap fir binary mein convert kariyega, तो वैसे नहीं करना है. सर जो सब ऑफ रहेगा वही सिर्फ है ना, वन होगा बाकी सब जीरो होगा. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑन होगा सर ये सब. हाँ, जब सारे ऑफ रहेंगे तो ऑफ रहेगा, यानी सर ओनली एक, सर 16 में वन ऑन रहे ऑफ रहेगा सर, और बाकी 15 ऑन रहेगा सर. हाँ, ए बी सी डी, वो तो एक ही रो आपका होगा जो जीरो जीरो होगा, बाकी में कोई ना कोई वन होगा ही. तो जब सारा जीरो होगा तभी जीरो होगा, अदरवाइज हाई है, तो इसलिए वो तो कंक्लूजन वही रहेगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मतलब नॉट है वी आर एडिंग द पर्टिकुलर ए बी सी डी, हियर लॉजिकल मीन्स प्लस का लॉजिकल मीन्स है, वो अर्थमेटिक मीन्स नहीं है, बाइनरी अर्थमेटिक या कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं. तो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी है, ये एन इक्वल टू फोर है, तो टू का पावर एन यानी टोटल कॉम्बिनेशन आपका 16 बनेगा, यानी 16 रो जो है वो चार कॉलम के बेसिस पर डिवाइड होगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरह से आधा करते जाएंगे, 4 0 फिर 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1, फिर इसका 2 कर देंगे, 2 0 2 1, और फिर 0 1 0 1, ठीक है. तो अब ये केवल एक केस है जिसमें जीरो होगा, रेस्ट केसेस में वन होगा. जो लॉजिक सिंबल है उस लॉजिक सिंबल में हम 2 इनपुट के जगह 4 इनपुट दिखा देंगे, ए बी सी और डी, और इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो लॉजिक एक्सप्रेशन हो गया वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है, इसमें आप 1 1 1 1 1 1 कितना हो गया, कितना 1 हो जाएगा, 3 6, एक और होगा 16. ठीक है, तो 16 1 एंड 1 0, तो इसी के बेसिस पर आउटपुट इज हाई
that output is low, that is zero when all its input is low. All its input is low, केवल ये केस है. बाकी इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं जिसमें सारे जीरो हो, कोई ना कोई एक वन होगा. तो इसके बेसिस पर कंक्लूजन है. अगर इस नीचे वाले के बेसिस पर कंक्लूजन होगा तो आउटपुट इज हाई, दैट इज वन व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई. तो इसमें से कोई भी सब में कोई ना कोई एक भी अगर इनपुट हाई है, एटलीस्ट का मतलब कि एटमोस्ट भी हो सकता है, कम से कम एक हो, एक से अधिक दो तीन चार भी हो सकता है. तो अगर एक भी होगा तो आउटपुट हाई होगा. तो ये ऑल जीरो को छोड़कर बाकी सब में कोई ना कोई जगह पर एक है तो आउटपुट हाई हो गया. तो दोनों कंक्लूजन आपका यूज यहाँ पर हो सकता है. तीसरा जो केस है नॉट गेट. नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट. तो इसका जो लॉजिकल सिंबल है, दिस इज द लॉजिकल सिंबल. सपोज ए इज योर इनपुट, देन आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, या इसको आप a पावर c या a डैश, तीनों में से किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द लॉजिकल सिंबल. दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं y इक्वल टू a बार या a डैश या जो भी है लॉजिकल सिंबल. देन ट्रूथ टेबल क्या है, सिंगल इनपुट है. तो सिंगल इनपुट है तो n का वैल्यू 1 है, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 का पावर 1, 2. तो इनपुट और आउटपुट जो आपका रेशियो होगा, इसीलिए इसको इन्वर्टर कहा गया है कि यहाँ पर सिंगल इनपुट होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा आउटपुट होगा. तो चूंकि सिंगल इनपुट है तो कितना कॉलम बनेगा इसमें, सिंगल इनपुट है तो इसमें दो कॉलम दो रो बनेगा. कॉलम तो एक ही है, दो रो बनेगा, दो इनपुट रो, दो रो. हाँ, तो दो का आधा एक होता है, तो एक जीरो और एक वन. तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन आउटपुट इज हाई when input is low, vice versa आप बोल सकते हैं. तो output is high, that is one, when output is low, vice versa. ठीक है, मतलब कि output is low, that is zero, when input is आउटपुट इज हाई, डेट इज वन वेन इनपुट इज लो. यानी लो इनपुट होगा तो हाई आउटपुट होगा, वाइस वर्सा. मतलब कि हाई लो आउटपुट होगा जब हाई इनपुट होगा. ठीक है ना, वाइस वर्सा कहने का मतलब कि आउटपुट हाई होगा जब जीरो इनपुट होगा, लो होगा जब हाई इनपुट होगा. तो हाई इनपुट जनरेट लो आउटपुट, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है आपका. नॉट गेट में इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है. नाउ अब यहाँ तीन गेट डिस्कस करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ फोर फैक्टर. सपोज इफ यू हैव वन एक्सप्रेशन, सपोज कोई अगर एक्सप्रेशन दिया गया है ए बी प्लस ए बार बी, दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन. नाउ गिव द, अब इस क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. Give the truth table. दूसरा logical expression तो है, देने की जरूरत नहीं. Give the truth table, logic symbol. ठीक है ना, for expression a b plus a bar b. a b plus a bar b is the expression. Now you have to identify dot से आप identify करेंगे and को, plus से आप identify करेंगे और को, और complement या dash से आप identify करेंगे not gate को. So these are the gate. ये गेट आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन का लॉजिक सिंबल बनाने के लिए वो सारे गेट आपको यूज करने पड़ेंगे, उस गेट के लॉजिक सिंबल यूज करने पड़ेंगे. ठीक है ना, तो ए बी प्लस ए बार बी का ट्रूथ टेबल. सबसे पहले तो ट्रूथ टेबल क्या होगा, ट्रूथ टेबल में ये चीज जान जाइए कि ये आपका एक्सप्रेशन है,
तो इस एक्सप्रेशन में जितने भी एक्सप्रेशन का जो सब एक्सप्रेशन है उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जितना कॉलम बनाइएगा उतना नंबर ऑफ इनपुट हो गया, नंबर ऑफ इनपुट इसमें दो ही रहेगा। तो ट्रुथ टेबल बनाने के समय में सबसे पहले देखना है कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, कितना वेरिएबल यूज हो रहा है इसमें, दो वेरिएबल यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो दो वेरिएबल ए और बी लिख दिए। अब इस दो वेरिएबल के बाद ट्रुथ टेबल में आपको ऐसा कॉलम भी बनाना होगा जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फाइनल आउटकम ये पूरा है तो इसका पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे। तो ए बी से आपको एक कॉलम किसके लिए बनाना पड़ेगा, ए बी के लिए, क्योंकि यहाँ ए बार बी है। तो ए बी के पहले आपको क्या है कि एक ए बार के लिए भी कॉलम बनाना होगा जिसके थ्रू आप ए बार बी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ए बी का एक कॉलम या ए बार बी का पहले एक कॉलम बना लेंगे, फिर एक ए बी का कॉलम बनाएंगे। ये इतना सेक्शन आपका इनपुट पार्ट होगा, समझ में आ रही बात। और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी प्लस ए बार बी। अब देखिए यहां जो आप एक और चीज देना, हाँ ठीक, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इनपुट आपका कितना है, दो है। तो नंबर ऑफ इनपुट क्योंकि दो है तो ए बी का जो है कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, इनपुट रो चार, तो दो जीरो दो वन जीरो वन जीरो वन। अब ये ए बी का आपका इनपुट का बेसिक दो इनपुट का कॉम्बिनेशन बना लिए। अब आपके पास ए भी है बी भी है तो ए का यूज करके ए बार निकाल सकते हैं। तो ए बार में निकालने के लिए ए में जो भी कॉन्टेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दो जीरो दो वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो वन दो जीरो। ए बार बी आपके पास दो कॉलम है, एक बी का कॉलम है एक ए बार का है। तो इस दो कॉलम को देखकर आप ए बार और बी के बीच में एंड गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड गेट का कंक्लूजन क्या आपको पता है, एंड गेट का कंक्लूजन है कि अगर आपका दोनों इनपुट हाई होगा, यानी कि दोनों यहाँ पर दो है, हो सकता है दो से अधिक भी हो, तो अगर ऑल इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट हाई होगा। तो अगर ए बार बी को हम देखें तो जीरो वन है, वन वन है, जीरो जीरो और वन जीरो। तो पहले वन वन जहाँ है उसको पहले चेकआउट कर लीजिए। तो ये वन होगा, बाकी सब क्लियर है। ए बी के लिए आपको ए और बी दो कॉलम, पहला और दूसरा कॉलम को यूज करके ए बी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी एंड गेट ही लगाना है। तो ये ए बी के बीच में एंड गेट लगाने के लिए एंड गेट का कंक्लूजन क्या है कि वही ऑल इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट हाई। तो पूरा में देख लीजिए हाई कब होगा, हाई होगा बाकी सब, क्लियर है। अब आपके पास ए बार बी भी एक कॉलम है, एक ए बी कॉलम है, और आपको क्या करना है, ए बी और ए बार बी के बीच में लॉजिकल और लगाना है। तो ये दो कॉलम के बीच में अगर लॉजिकल और लगाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो ए बी प्लस ए बार बी के लिए आउटपुट कॉलम जनरेट करेगा। तो ए बी और ए बार बी के बीच में अगर लॉजिकल और लगाते हैं तो लॉजिकल और में हाई आउटपुट कब होता है, जब एक भी इनपुट हाई है। तो यहाँ देखिए कि लो कब होगा, तो यहाँ देखिए जीरो 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 होगा, जीरो होगा, बाकी यहाँ यहाँ। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है ना। लॉजिक सिंबल आप बना लेंगे, अब लॉजिक सिंबल बनाइए, क्योंकि एक्सप्रेशन दिया रहेगा। अभी हम लोग बेसिक गेट्स यूज कर रहे हैं, आपको उसको लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल गेट के थ्रू एक्सप्रेशन को लॉजिकल सिंबल क्रिएट करना होगा। ये तो समझ गया ना, किसी भी एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाने के लिए एक्सप्रेशन का हर पार्ट को उन इनपुट सेक्शन में दिखाना होगा, लेकिन आपका इनपुट उतना ही होगा जो वेरिएबल लिटरल्स उस एक्सप्रेशन में यूज हुआ है। अगर दो वेरिएबल यूज हुआ है तो दो लिटरल यूज होगा, तीन वेरिएबल यूज हुआ है तो तीन लिटरल यूज होगा। तो अब लॉजिक सिंबल बनाने के लिए देखेंगे, ए बी है प्लस ए बार बी है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि जैसे सीक्वेंस है लेफ्ट टू राइट, आपको सिंबल देखना है कि कौन कौन सा गेट आपको इसमें चाहिए। तो इसमें कितना एंड गेट चाहिए, कितना और गेट चाहिए और कितना नॉट गेट, तो यहाँ से ये तय हो जाएगा। प्लस हम अभी बताए कि प्लस डॉट का एंड काउंट करने के लिए, प्लस और जो डैश है वो नॉट काउंट करने के लिए। तो यहाँ देखो प्लस कितने बार आया है, यानी कि वन और गेट, हाँ, और एंड कितने बार आया है, टू टाइम्स, एक बार भी दो, और नॉट कितने बार आया है,
वन टाइम यानी कि ये चार गेट, दो एंड, एक और एक नॉट, इसमें यूज होगा आपका जो लॉजिक सिंबल है। तो ए बी जब आप यूज करेंगे तो ए बी के लिए क्या है, ए और बी के बीच में डॉट है, डॉट है, इसका मतलब इस ए बी को पहले बनाएंगे, इस ए बी को क्रिएट करेंगे। तो ए और बी, ये दोनों तरीका है। पहला एक तरीका बताते हैं जो सेपरेट आप बना सकते हैं, ए और बी बनाए तो यहाँ आउटकम क्या आ गया, ए डॉट इनपुट। लॉजिक सिंबल जब एक्सप्रेशन का बना रहे होंगे तो वहां ध्यान दीजिएगा, जितना भी आउटपुट सेगमेंट जनरेट हो रहा है हर आउटपुट सेगमेंट में एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि जो प्रोसेस के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा उसको लिखना है। जैसे ए और बी इनपुट हुआ लॉजिक गेट एंड में, तो एक्सप्रेशन ए डॉट बी बना। इसको म्यूट करो जी। तो अब ये ए इंटू बी यहाँ इसके लिए आ गया, ए बी के लिए। अब आपको ए बार बी के लिए सोचना है, क्योंकि ये जो आपका प्लस है ये ए बी और ए बार बी को कंजंक्स दोनों को जोड़ेगा। तो यहां से ये चीज आपका एक आ गया और गेट के लिए, यानी कि ए प्लस ए बी, ए बी से जो आउटपुट है वो पहला इनपुट बन गया और गेट का, जो बीच में प्लस है। अब दूसरा इनपुट आपको ए बार बी के फॉर्म में भेजना है। ए बार बी के फॉर्म में भेजने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ए को नॉट गेट से पास करना होगा और इसको हमको एंड गेट का पहला इनपुट बनाना होगा और इसमें एक बी भेजना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बार बी, यहाँ हुआ ना ए बार, नॉट गेट से ए को पास किए और ये बी डायरेक्ट गया, तो ये आपका हो गया ए बार बी और ये आपका दूसरा इनपुट बना और गेट का। तो यहाँ देखो दो एंड गेट हम लोग यूज किए, एक नॉट गेट यहाँ यूज हो गया और एक और गेट यूज हो चुका है। अब ये और गेट में एक क्या जा रहा है, एक बार ए बी जा रहा है और प्लस इधर से आ रहा है ए बार बी, यानी कि फाइनली लॉजिक सिंबल बनाने के लिए हम लोग पार्ट वाइज ब्रेकअप करके लॉजिक सिंबल क्रिएट किए। दूसरा चीज यहाँ एक और चीज है कि यहाँ हम लोग ए बी को सेपरेटली दिखाए हैं अलग अलग गेट में। इसी डायग्राम को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ ए और बी दो ही वेरिएबल यूज हो रहा है और ए बार भी यूज हो रहा है, तो इसके लिए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और पहला दो एंड गेट यूज हो रहा है, तो पहला एंड गेट में ए और बी डायरेक्ट जा रहा है, ए को डायरेक्ट और बी को डायरेक्ट दिखाएंगे। दूसरा एंड गेट में आपका ए बार पहला इनपुट है, दूसरा इनपुट बी है, इसको इस तरह से दिखाएंगे। आप नीचे तक भी लाइन दिखा सकते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से क्या आ गया आपका ए डॉट, क्योंकि इनपुट ए बी का वैल्यू तो एक ही बार लेंगे ना, अब वो अलग अलग गेट में आपका वो जाएगा, ए और बी का जो वैल्यू है एक बार 0-0 लेंगे या 0-1 लेंगे या 1-0 लेंगे, तो एक बार जो 0-0 लिए वो जितना भी गेट यूज हो रहा है वो सारे गेट में 0-0 ही वैल्यू जाएगा ए बी का। तो ए बी का वैल्यू जो भी है वो यहाँ स्टैटिक है, ए बी यहाँ पर ए बी गया, यहाँ पर ए बार बी हुआ, क्योंकि डायरेक्ट ए बार को ही इसमें इनपुट ले रहे हैं, यहाँ बी को ले रहे हैं। अब ये दोनों को हम दिखा सकते हैं कि ये आपका और गेट से पास हो रहा है, यहाँ दिखा देंगे ए बी प्लस ए बार बी। तो आइदर यू कैन ड्रॉ द लॉजिक सिंबल इन दिस मैनर और यू कैन ड्रॉ द लॉजिक सिंबल इन दिस मैनर, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हम ए बी और ए बार, अगर बी बार भी चाहिए तो बी बार का भी कॉलम लेंगे, बार बार हमको नॉट गेट दिखाने का जरूरत नहीं होगा। अब दूसरा यहाँ क्या है, यहाँ नॉट गेट आपका स्किप हो गया इस डायग्राम में, नॉट गेट को हम सिंपली ए बार यानी ए के लिए ए बार दिखा दिए, लेकिन अगर नॉट गेट को दिखाना होगा तो ये एक लाइन आपको ओमिट करना होगा और ए को ही यहाँ नॉट गेट से पास कर देना होगा। जो ए बार से आप पास ले रहे हैं इनपुट यहाँ दूसरे एंड गेट में, उसमें ए बार को हटा देंगे। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं दूसरा, कि केवल ए और बी आप ले रहे हैं और दो एंड गेट ले रहे हैं और इसका आउटपुट जो है इसको और गेट से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला में तो ए और बी डायरेक्ट गया, दूसरे में ए का नॉट है तो यहाँ नॉट गेट दिखा दीजिए और यहाँ से आपका जो है बी क्रॉस हुआ तो ये आपका ए बार हो गया, तो ये हो गया ए बार बी, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए बी प्लस ए बार बी। तो इस तरह से भी बना सकते हैं।
है ना, दिस वन इज ऑल्सो ओके। यानी कि लॉजिक सिंबल आप ये तीन तरह से बना सकते हैं। ए बी लिए तो इसलिए लिए क्योंकि ये नॉट गेट को भी हम कंसीडर कर लिए, ये जो दो एंड है वो भी दिख रहा है, एक नॉट भी दिख रहा है और एक और भी यहाँ दिख रहा है फाइनल रिजल्ट को होल्ड करने के लिए। बोलिए सर, फर्स्ट वाला थोड़ा बता दीजिए एक बार सर। फर्स्ट वाला मतलब ये जो पहले, यस यस सर, फर्स्ट वाला में है कि आपका जो एक्सप्रेशन है ए बी है, तो ए बी के लिए एंड गेट यूज कर लिए, ए बी के लिए एंड गेट यूज किए तो ए और बी को इनपुट दिया, ए डॉट बी आपका आउटपुट जनरेट हुआ, ए बार बी को भी एंड गेट से आप पास किए तो ए बार है, तो ए को पहले नॉट गेट से पास करना होगा क्योंकि नॉट गेट एप्लीकेशन आपका ए का ए बार होगा बी का बी बार होगा, तो ए बार बी है तो ए का इनपुट आपका ए बार चला गया नॉट गेट से पास करने के बाद ए को, और बी डायरेक्ट गया तो एंड गेट का आउटपुट हो गया ए बार बी। अब दोनों एंड गेट का आउटपुट आपके पास है, एक का ए बी है एक का ए बार बी है, और दोनों के बीच में आपका जो है प्लस है लॉजिकल ऑड, इसके लिए आप लॉजिकल ऑड लेंगे, तो इस प्लस का मतलब है कि ए बी और ए बार बी को लॉजिकल ऑड ऑपरेशन से पास करेंगे गेट से। जैसे ही लॉजिकल ऑड गेट से पास करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन फाइनलाइज हो जाएगा y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी। क्लियर है? ओके सर। नाउ द सेकेंड पार्ट जो आपका है, ये क्लियर है ना? क्लियर है तो एक एक बना के दिखाइए हमको ट्रूथ टेबल और जस्ट नोट इट डाउन द एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बार बी बार, दिस वन इज द एक्सप्रेशन। गिव द ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सिंबल। बनाओ दीपक, उसके बाद गाना गाना। दीपक किसका नाम? अच्छा तुम ही हो। आगे जब सारे गेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ऐसा भी एक्सप्रेशन होगा जो जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हो कि ये किस लॉजिकल गेट से मैच करता है, ये एक्सप्रेशन किस लॉजिकल गेट के लिए हो सकता है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन में चार पांच सेक्शन होगा। हो गया? बन गया ना? सबका बन गया होगा। देखिए ट्रूथ टेबल के लिए वही है, एक ए बी के लिए कॉलम बनाना होगा, एक ए बार बी बार, तो ए बार के लिए वहां लिए थे, एक और कॉलम बी बार के लिए भी बनाना होगा क्योंकि ए बार बी बार आपको एक कॉलम बनाने के लिए ए बार और बी बार दोनों कॉलम का जरूरत होगा, तो ए बी के ए बी को यूज करके एक ए बार और एक बी बार, यानी चार कॉलम आपका बन गया, ए बी ए बी ए बार बी बार। अब इस चार कॉलम से एक कॉलम ए बी के लिए बना दीजिए, एक कॉलम ए बार बी बार के लिए बना दीजिए, उसके बाद आउटपुट के लिए ए बी प्लस ए बार बी बार, क्योंकि इनपुट में ये लास्ट का दो कॉलम आपका ए बी और ए बार बी बार होगा, उस लास्ट के दो कॉलम के बीच में लॉजिकल ऑर लगाकर आप फाइनल आउटपुट जनरेट कर लेंगे, ठीक है ना? और इसका लॉजिक सिंबल क्या हो जाएगा? लॉजिक सिंबल में एक एंड दूसरा एंड, अब यहां जैसे दो बार दिखाना पड़ेगा, ए के लिए भी नॉट बी के लिए भी नॉट, ठीक है ना? Yes. लॉजिक सिंबल में दो एंड एक और इसमें अगर ए और बी दिखाएं, ए बार बी बार भी दिखा सकते हैं लेकिन आपका बेसिक गेट नॉट फिर नहीं दिखा पाएंगे, तो बेसिक गेट नॉट को दिखाना है तो पहले वाले में तो ए और बी डायरेक्ट जा रहा है, दूसरे वाले में ए और बी दोनों पहले नॉट से पास होकर जा रहा है क्योंकि तो दूसरे वाले एंड गेट का इनपुट ए बार बी बार है, ए बार बी बार का मतलब है कि ए को नॉट से पास किए और बी को भी नॉट से पास किए, तो ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार, तो आउटकम हो गया ए बार बी बार, यहाँ हो गया ए बी, तो फाइनल आउटकम क्या हो गया? ए बी प्लस ए बार बी बार। अगर लेकिन अगर यहाँ ये रहता ए बार बी बार के जगह अगर ऐसा रहता
ए बी बार, तो क्या करना पड़ता है, पहले आपको ए बी को पास करना पड़ता है एंड गेट में, पहले आपको ए बी को पास करना पड़ता है और फिर उसको नॉट गेट से पास करना पड़ता है। तो ए बी आपका एंड गेट का आउटपुट ए बी होता है, और जब नॉट गेट से पास होता है तो पूरा का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ए बार बी बार है या ए बी पर होल बार है। ए बार बी बार होगा तो इंडिविजुअली पहले नॉट गेट से पास होकर जाएगा, इनपुट बनेगा एंड गेट का। अगर ए बी बार होगा तो ये कंबाइंडली एंड गेट से पास होने के बाद नॉट गेट से पास होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन बेसिक गेट्स को यूज करके बना लीजिएगा लॉजिक सिंबल इसको। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेकेंड, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स, बेसिकली यूनिवर्सल गेट क्यों कहा गया है, बिकॉज द गेट अंडर यूनिवर्सल गेट इज यूज टू रियलाइज और डिजाइन एनी बेसिक लॉजिक गेट्स। किसी भी बेसिक लॉजिक गेट्स को डिजाइन और रियलाइज करने के लिए हम इस यूनिवर्सल गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाई इट इज यूनिवर्सल गेट, बिकॉज यू वी कैन रियलाइज और डिजाइन एनी बेसिक लॉजिक गेट्स बाय मीन्स ऑफ दिस गेट्स। तो अंडर यूनिवर्सल गेट्स देर आर टू गेट्स, NAND गेट एंड NOR गेट। NAND गेट और NOR गेट, NAND और NOR बेसिकली आपका दो गेट के कॉम्बिनेशन से बना है। तो NAND इज NOT प्लस AND, एंड NOR इज NOT प्लस OR। तो इसलिए इसको जो है NOT AND गेट भी कहा जाता है। NAND गेट को हम बोलते हैं NOT AND गेट, और NOR गेट को बोलते हैं NOT OR गेट। तो NOT OR गेट का मतलब क्या है, इसका जो लॉजिक सिंबल होगा वो क्या होगा, AND गेट फॉलोड बाय NOT गेट, और इसका क्या होगा, OR गेट फॉलोड बाय NOT गेट। तो इसके बेसिस पर जो लॉजिक सिंबल आप बनाएंगे, लॉजिक सिंबल अगर डिटेल बनाएंगे तो क्या होगा, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, दैट मींस कि देयर इज ए एंड गेट, अंडर एंड गेट यू जस्ट टेक द इनपुट एंड ए डॉट बी इज योर आउटपुट, एंड दिस आउटपुट इज मूव टू द नॉट गेट टू फाइनलाइज द आउटपुट ऑफ, अभी यही बात कर रहे थे, ए डॉट बी है, इसको जब नॉट गेट से पास करेंगे तो ये ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंडिविजुअल ए और बी का नहीं होगा। ए डॉट बी आपका आउटपुट जनरेट हुआ है एंड गेट से, और ये पूरे का ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब नॉट गेट से पास होगा। तो दिस वन इज द, अब इसी चीज को, हाँ बोलिए, ये दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस नॉट को हम के बबल को यहाँ प्लेस करते हैं, एंड दिस बिकम द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार। यानी नैंड गेट का स्टैंडर्ड सिंबल क्या हो गया, ये दोनों सिंबल को इंटीग्रेट कर दिए, तो नॉट गेट का बबल इसके फ्रंट में प्लेस कर दिए, तो दिस बबल इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर नैंड गेट। सिमिलरली यहां पर और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट है, यानी देयर इज ए और गेट, ए एंड बी इज द इनपुट, ए प्लस बी इज द आउटपुट, एंड दिस विल मूव टू द नॉट गेट। नाउ फाइनल आउटपुट इज ए प्लस बी बार, और इस चीज को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ये नॉट का बबल यहां प्लेस किया, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ नॉर गेट। ठीक है, अब लॉजिक सिंबल अकॉर्डिंग टू लॉजिक सिंबल ये आपका स्टैंडर्ड ये हो गया, ये ब्रेकअप करके भी आप दिखा सकते हैं, ये लॉजिकल नॉर गेट का ये स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल हो गया। दूसरा लॉजिक एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार हो गया, यहाँ वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार हो गया, दो पार्ट क्लियर है। तीसरा पार्ट आता है ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल दोनों का, नैंड गेट और नॉर गेट का ट्रूथ टेबल को हम तीन दो तरह से लिख सकते हैं, एक डायरेक्टली कंक्लूजन पार्ट से जिसमें ए बी को दिखाएंगे, हाँ सर गुड इवनिंग, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल
ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा? ट्रुथ टेबल दो तरह से बन सकता है, एक डायरेक्टली कंक्लूजन से, यानी ए बी आपका इनपुट है और एक्सप्रेशन है वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार। तो कंक्लूजन क्या है कि इसका जो आउटपुट है एंड गेट का आउटपुट को और नॉट गेट में पास करने से मिल रहा है, इसका मतलब कि आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज जस्ट अपोजिट टू द आउटपुट ऑफ एंड गेट एंड आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज जस्ट अपोजिट टू द आउटपुट ऑफ ऑर गेट, बिकॉज वट एवर आउटपुट जनरेटेड बाई नैंड एंड नॉर गेट वंस इट इज मूव टू द नॉट गेट देन यू विल गेट द आउटपुट फॉर नैंड एज वेल एज नॉर गेट रिस्पेक्टिवली। तो जब भी आपका कोई भी आउटपुट जब नॉट गेट से पास होगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। इसलिए कहा गया है कि आपका जो नैंड गेट है इसका जो ट्रुथ टेबल है यानी नैंड गेट का जो आउटपुट कंक्लूजन है वो जस्ट अपोजिट टू द एंड गेट है और नॉर गेट का जो कंक्लूजन है वो जस्ट अपोजिट टू द ऑर गेट है। इसलिए नैंड गेट का कंक्लूजन क्या है कि आउटपुट इज हाई दैट इज वन व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो दैट इज जीरो। तो ये जो कंक्लूजन का फर्स्ट स्टेप है उसको केवल चेंज करना है, आउटपुट इज हाई दैट इज वन को चेंज करके क्या कर देना है, आउटपुट इज लो दैट इज जीरो, बाकी का कुछ चेंज नहीं करना है। आउटपुट इज हाई दैट इज वन के जगह आउटपुट इज लो दैट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज हाई दैट इज वन। क्यों? क्योंकि आपका जब वन वन होता है तो एंड गेट में हाई आउटपुट होता है और ये जब वन नॉट गेट से पास होगा तो लो हो जाएगा, बाकी जो लो है वो सब हाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वहां से कंक्लूजन जो आपका एंड गेट है उसी से इसको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, केवल पहला पार्ट, आउटपुट इज हाई दैट इज वन व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो दैट इज जीरो। तो उसमें करना है कि आउटपुट इज लो, क्योंकि हाई कब होगा जब ऑल वन होगा, और वही हाई जब नॉट गेट से पास होगा तो जीरो होगा। तो वहां लिखेंगे आउटपुट इज लो दैट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज हाई दैट इज वन। क्योंकि जितना जीरो है वो नॉट गेट से पास होगा तो वन हो जाएगा, और केवल एक वन है जो जीरो होगा और वो है जब ऑल इनपुट हाई होगा। सेम थिंग और गेट के केस में, नॉर गेट का अगर कंक्लूजन लिखना है, और गेट का कंक्लूजन क्या है, लो वाले को चेक कर लीजिए, यानी लो वाले के केस में क्या है, आउटपुट इज लो दैट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो, अदरवाइज आउटपुट इज हाई, ये है। तो इस लो को हाई कर दीजिए क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा वहां पर कंप्लीमेंट। तो आउटपुट इज हाई दैट इज वन, नॉर गेट के केस में आउटपुट इज हाई दैट इज वन व्हेन व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो, अदरवाइज आउटपुट इज लो दैट इज जीरो। समझ आ रहा बात? जीरो 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 होता है प्लस में, तो जीरो जीरो जब जीरो है वो नॉट गेट से पास होगा तो वन होगा, इसके अलावा जीरो वन, वन जीरो और वन वन, ये वन ही होता है और गेट में, तो ये सारे वन जब नॉट गेट से पास होंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो कंक्लूजन पार्ट भी आप वहां से ही ले सकते हैं, नॉट और गेट है तो यहाँ पर एक कॉलम ए बी और डायरेक्ट वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार के लिए आप बनाएंगे, या इसको अगर कंक्लूजन ध्यान में नहीं है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, जो दोनों चीज उसमें डिस्कस किया हुआ है, ए बी और एक कॉलम ए डॉट बी का बना दीजिए और ए डॉट बी बार। तो ये आपका इनपुट सेगमेंट है, तो इनपुट सेगमेंट में ए डॉट बी का कॉलम होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आप आउटपुट सेगमेंट में बना लेंगे, जहां जीरो है वहां वन। यहां पर आपको कंक्लूजन ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए और बी का जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें आउटपुट किस बेसिस पर होगा, तो आउटपुट आपका हाई होगा जब ऑल इनपुट लो होगा, ऐसा होगा। आउटपुट लो होगा जब सारा इनपुट हाई होगा, यानी कि जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, ये वन वन के केस में आपका यहाँ पर जीरो होगा, ठीक होगा ना? यस सर। तो यहाँ पर देखिए जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, तो यहाँ पर ए बी एक कॉलम बना लीजिएगा तो ये सब जीरो होगा, ये वन होगा, और इस ए बी का यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो ये सब, ये दोनों आप कर सकते हैं शॉर्ट मेथड डायरेक्टली कंक्लूजन से, और डिटेल भी आप दिखा सकते हैं कॉलम, सेम थिंग यहाँ इसके लिए भी अप्लीकेबल होगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में रियलाइजेशन देख के आइएगा, उसमें रियलाइजेशन उसमें दिया हुआ है, उसको थोड़ा एक बार स्टडी करके आइएगा।